ये असम का दुर्भाग्य है कि उसका जो मुख्यमंत्री है इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके शासन में लगातार असम की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार और अन्याय झेलना पड़ रहा है। और जब उन्हीं की धरती पर राहुल गांधी उन्हें आईना दिखा रहे हैं तो वो छटपटाने लगे हैं, घबराने लगे हैं और धमका रहे हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कभी टी शर्ट, कभी जूता, कभी चप्पल, कभी कंटेनर, कभी विवेकानंद, कभी आरती, तो कभी प्रोटोकॉल का हवाला देकर यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी, झूठ बोलने की कोशिश की गई थी और यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या हुआ, यात्रा न केवल अपने मंजिल तक पहुंची बल्कि सफल भी हुई। और एक बार फिर जब अहंकारी मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ राहुल गांधी न्याय की यात्रा लेकर निकले हैं तो ये सरकार छटपटा रही है और डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। ये FIR करने की धमकी दे रहे हैं, गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कोई जरा जाए और इन्हें बताए ये राहुल गांधी है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनके रगों में लड़ना है, डरना नहीं है। तो डियर मोदी जी, गौर से सुन लीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई के लिए निकल चुकी है और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक इस देश के दबे, कुचले, शोषित, वंचित लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, न्याय का हक नहीं मिल जाता। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक।